यहां पर विचार विमर्श किया जा रहा है। चलिए पढ़ेंगे आगे, मथुरा से बड़ी खबर है, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला। तो थोड़ी देर में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप के दावे पर अहम सुनवाई होगी, तो बड़ी जानकारी मथुरा से आपको दे रहे हैं। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में थोड़ी देर में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप के दावे पर अहम सुनवाई, तो जिला जज की अदालत में दायर किया है रिविजन। तो बता दें कि आज भी सुनवाई के लिहाज से अहम दिन, तो बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप के दावे पर आज सुनवाई होनी है। सुनवाई पर सबकी निगाहें हैं, यहां पर टिकी हुई है, क्या कुछ महेंद्र प्रताप के दावे के आधार पर दलीलें पेश की जा सकती हैं। तो जिला जज की अदालत में दायर किया गया है रिविजन। तो विवादित स्थल पर पहले कोर्ट कमीशन भेजकर सर्वे कराने की मांग रखी गई। कल गौरी श्रृंगार केस में हुए आदेश की कॉपी भी जिला जज की अदालत में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह दाखिल करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, थोड़ी देर में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप के दावे पर यह अहम सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कुछ ही देर में जिला जज की अदालत में सुनवाई होने वाली है। इस वक्त हम जिला एवं सत्र न्यायालय पर मौजूद हैं और हमारे साथ वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज सुनवाई होने वाली है कुछ ही देर में जिला जज की अदालत में, किस मामले पर सुनवाई होने वाली है और आज क्या रहने वाला है कोर्ट में? देखिए, हमारा शुरू से स्टैंड रहा है, बड़ा क्लियर रहा है कि पहले वहाँ कोर्ट कमीशन जाना चाहिए, वहाँ की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर के पास जो शहीद का परिसर बना हुआ है और हम उसको मूल गर्भगृह मानते हैं, हम उसे शहीद का नहीं मानते, उसी को लेकर के हमने कोर्ट में रिविजन दाखिल किया है। आज उसी रिविजन की सुनवाई होने जा रही है और हमारा ये बिल्कुल स्टैंड क्लियर है कि वहां पर कमीशन जाना चाहिए और 7 Rule 11 की जो इनकी मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन है उसे निरस्त किया जाना आवश्यक है, क्योंकि कल बनारस के मामले में बिल्कुल स्थिति क्लियर हो गई। वहां भी 7 Rule 11 की एप्लीकेशन मुस्लिम पक्ष के द्वारा लगाई गई थी, उसको माननीय न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया है। उसकी कॉपी भी हम लगाने जा रहे हैं, हमारे पास वो कॉपी है और उस कॉपी को भी हम दाखिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के यहाँ। और कोर्ट, मुझे आशा है, विश्वास है कि पहले माननीय न्यायालय हमारे फेवर में आदेश करेंगे कि पहले कोर्ट कमीशन का वहां पर जाए और वीडियोग्राफी। तो कुछ ही देर में जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी और जो श्रृंगार गौरी केस में जो कल कोर्ट ने आदेश दिया था उसकी कॉपी भी कोर्ट में दाखिल करेंगे। ताराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट मथुरा। और अब खबर है ललितपुर से, जहां बिजली विभाग का रिश्वतखोर कर्मचारी, बता दें कि कर्मचारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। विभाग के जेई की मिलीभगत का भी आरोप लगाया जा रहा है। तो विभाग में आए दिन लाखों रुपए की अवैध उगाही हो रही है। देखिए किस तरह से ये तस्वीर भी सामने आई है, पूरा कला पावर हाउस का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें खुलेआम रिश्वत के पैसों को गिनता ये शख्स नजर आ रहा है। तो ललितपुर की ये पूरी घटना आपको बता रहे, सबसे पहले तस्वीर न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपको दिखा रहे हैं। तो बिजली विभाग का